छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की इंद्रावती नदी में पाई जाने वाली बोध मछली इस बरस की पहली मछली 60 किलो की निकली है। बस्तर की शार्क कहलाने वाली बोध मछली धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। इस वर्ष की पहली मछली बुधवार को इंद्रावती तट के पास ग्रामीणों ने पकड़ा है। इसका वजन करीब 60 किलो से अधिक थी। मछली पकड़े जाने के बाद गाँव वालों ने कुल्हाड़ी से काट कर हिस्सा बंटवारा लिया। यह मछली 150 किलोग्राम तक वजनी होती है। इसे लोहे के तारों की जाली बनाकर ग्रामीण इसे पकड़ते हैं, क्योंकि यह सामान्य जाल को फाड़ देती है। विशालकाय बोध मछली को पकड़ने अब तक कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इस मछली को बचाने की मांग 15 साल से जारी है। बस्तर की शार्क नाम से लोकप्रिय बोध मछली को बचाने के लिए ठोस प्रशासनिक कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। सर जी, ये मछली हर नदी में नहीं मिलता है, मैं मात्र इंद्रावती नदी में ही मिलेगा। और वो गोदावरी संगम से ही वो चढ़ना स्टार्ट करते हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक मछली। और यहाँ वाटरफॉल है चित्रकूट में जी, वहाँ से वाटरफॉल के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, बस वहीं रुक जाते हैं। वहाँ हम लोग गांव के देहात लोग आदिवासी लोग जाल लगाते हैं और उसमें फंस जाता है, तो हम लोग शिकार के हिसाब से उसको पकड़ लेते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र और गोदावरी के अलावा ये मछली बस्तर की इंद्रावती नदी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात चित्रकूट के नीचे पाई जाती है। इसे कैटफिश भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बोमरियस है। यह मछली जीवट होती है और पानी के बाहर भी लंबे समय तक जीवित रहती है, इसलिए इसके शौकीन खरीदार इसे जीवित हालत में ही खरीद लेते हैं। गर्मी के दिनों में इंद्रावती नदी का जलस्तर नीचे आते ही बड़े पैमाने पर इस मछली को पकड़ने का काम शुरू हो जाता है। लगातार पकड़े जाने के चलते अब इनकी संख्या तेजी से घटने लगी है। बारसूर बाजार में इसे खुलेआम बेचा भी जाता है। जो इंद्रावती नदी में वर्षों से पाई जा रही है, और ये है चित्रकूट वाटरफॉल से लेकर गोदावरी नदी के संगम के मध्य पाई जाती है, परंतु लंबे समय से बारसूर क्षेत्र में इस मछली का बहुत तेजी से अवैध शिकार किया जा रहा है, जिसे मारकर पखांजूर क्षेत्र के बाजारों में 500 रुपये की दर से बेचा जा रहा है। लगातार शिकार होने के कारण बोध मछली का अस्तित्व संकट में है। इसे बचाने के लिए प्रदेश सरकार को पहल करना चाहिए। हमारी बस्तर वासियों की एक लंबे समय से मांग है कि जिस तरह से बस्तर की पहाड़ी मैना को राज पक्षी का दर्जा दिया गया है, वन भैंसे को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है, साल को राज वृक्ष का दर्जा दिया गया है, इसी तरह बस्तर की जो बोध मछली है दुर्लभ हो रही है, तेजी से खत्म हो रही है, इसको राज मछली का दर्जा देकर इसके संरक्षण का और संवर्धन का विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। बस्तर की कई पर्यावरण समितियां लंबे समय से बोध मछली को बचाने और इसे संरक्षित करने की मांग कर रही है, लेकिन बीते 15 साल के दौरान खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी बोध मछली को बचाने की कोई पहल नहीं की गई है। मछली को राज्य मछली का दर्जा देकर इसे संरक्षण और संवर्धन की मांग की जा रही है। देश टीवी के लिए बस्तर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।